हेलो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में 10वीं क्लास के फिजिक्स का चैप्टर 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ने वाला है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लेना क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में ये लड़ेगा और आपको अच्छा नंबर भी लाना है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से आप लोग रट जाना, मैं आपको एक एक क्वेश्चन याद करा दूंगा। और दोपहर में 11 बजे मैथ का क्लास होगा। जिनका भी मैथ कमजोर है या फिर मैथ नहीं समझ में आती है, 11 बजे आप लोग क्लास जरूर करना। मैं बहुत अच्छे से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेते हैं। दोस्तों, आपका पहला नंबर इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में लाल, हरा, पीला और बैंगनी है। तो देखिए, झुकाव अधिक किसका होगा, तो जिसका तरंग दैर्ध्य मतलब कि कम होगा तो उसका झुकाव अधिक होगा। तो हमारा बैंगनी का तरंग दैर्ध्य जो होता है ना, वो कम होता है, तो इसलिए इसका झुकाव जो होगा वो अधिक होगा। तो आंसर डी नंबर मिल जाएगा। और आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह भाग है, तो वह भाग आपका रेटिना होता है। आंसर आपका मिल जाएगा दूसरा का बी नंबर, वह रेटिना होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर, कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। अगर निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाएगा तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाएगा, तो इसलिए हम उसे दूरदृष्टि दोष के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा तीसरा का सही उत्तर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका चार नंबर है, जब श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा होता है, वो होता है लाल रंग, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है इसलिए इसका विचलन कम होगा। तो चार नंबर का आपका बी नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। आंसर आपका मिल जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर। सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, ठीक है ना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको बिल्कुल फ्री में क्लास मिलेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है, ये देखिए, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर को सेव कर लीजिए, इस नंबर से हम व्हाट्सएप चलाते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर बस हाय लिखकर SMS कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दूंगा और आप अपना ग्रुप ज्वाइन कर लेना उस पर क्लिक करके। लेकिन आप लोग SMS जरूर करना, तभी मैं आप लोगों को ग्रुप का लिंक भेज पाऊंगा, ओके। 6 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस के फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा बी नंबर, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगला आपका क्वेश्चन है 7 नंबर, ये क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आंसर होगा आपका सी नंबर, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ठीक है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। और आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं के फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाना कारण क्या कहलाता है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, समंजन क्षमता कहलाता है। आंसर आपका 8 का बी नंबर सही जवाब होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर, स्वस्थ नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है, तो अनंत होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का दूरबिंदु पता है क्या होता है, अनंत होता है, तो आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी नंबर मिलेगा, 25 सेंटीमीटर होती है, 25 मीटर नहीं सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग कौन सा है, तो वह भाग दोस्तों दृष्टिपटल होता है। दृष्टिपटल को ही हम लोग रेटिना कहते हैं, रेटिना का ही दोस्तों हिंदी नाम होता है दृष्टिपटल, तो रेटिना भी आंसर होगा, दृष्टिपटल, दोनों आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन आपका 12 नंबर, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र यानी कि मनुष्य की आंखों में ना उत्तल लेंस पाया जाता है। आंसर आपका 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आंसर आपका 14 नंबर का आंसर मिल जाएगा बी नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है।
अगला आपका क्वेश्चन है 15 नंबर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए दोस्तों प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। इसे आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अब देखिए दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है 16 नंबर, ये क्वेश्चन है आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण होता है। आंसर आपका मिल जाएगा 16 नंबर का बी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। देखिए अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षाभि मांसपेशिया द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, तो पक्षाभि मांसपेशिया द्वारा। आंसर आपका 17 का डी नंबर मिल जाएगा, इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, तो लाल का लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है ना वो अधिकतम होता है। आंसर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 19 नंबर, देखिए दोस्तों 19 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को कहते हैं, तो दोस्तों इस आँख के इस गुण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है विभिन्न दूरियाँ पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकसित करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है दोस्तों, तो 20 नंबर का आंसर मिल जाएगा सिलियरी या फिर पक्षाभि मांसपेशिया द्वारा। ठीक है ना, आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर सही जवाब होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर है किस दृष्टि दोष में किस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। किस दृष्टि दोष में किस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है दोस्तों, तो रेटिना के पीछे दोस्तों तभी बनता है जब दूर दृष्टि दोष होता है, यानी कि दृष्टि दोष। ठीक है ना, आंसर आपका बी नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष वाली आँखें साफ साफ देख सकती है, तो दूरदृष्टि दोष वाली आँखें साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, सब लोग अच्छे से याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है 23 नंबर, ये क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य को किस प्रकार के लेंस के चश्मे पहनना चाहिए। मतलब कि जिस व्यक्तियों में दूरदृष्टि दोष होता है ना, वो व्यक्ति उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। उत्तल लेंस को अभिसारी भी बोलते हैं ना, तो आंसर आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा 23 नंबर का। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर है दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आँखों में साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तो दूर की वस्तुएँ नहीं बल्कि निकट की वस्तुएँ साफ साफ दिखाई नहीं देती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका 24 का क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है जरा दृष्टिता का उपचार किस प्रकार के लेंस के द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो बाईफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है। आंसर आपका 25 का डी नंबर मिल जाएगा, बाईफोकल लेंस। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर, ये क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से होकर गुजरने पर विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाने की घटना को कहते हैं, तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के पथ में विचलन उत्पन्न किया जा सकता है, तो प्रकाश के पथ में विचलन उत्पन्न किया जा सकता है, तो एक प्रिज्म के द्वारा किंतु आयताकार पट्टी द्वारा नहीं, एक प्रिज्म के द्वारा ही आप प्रकाश को टेढ़ी इधर उधर मुड़ सकते हैं। ठीक है ना, किंतु आयताकार पट्टी के द्वारा नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर कि निम्न में सबसे कम विचलन किस वर्ण का होता है, तो जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका विचलन कम होगा, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है इसलिए इसका विचलन कम होगा। आंसर आपका 28 का ए नंबर क्लियर है। 29 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, ये भी क्वेश्चन साफ है। अब देखिए दोस्तों आपका 30 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, इसका भी आंसर सी नंबर होगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो व्यक्ति खड़ा होता है ना उसको आकाश काला दिखाई देता है। और अगला आपका क्वेश्चन है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहते हैं, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो कोलाइडी कहते हैं। ठीक है ना, कोलाइड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर लेना, बस इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और दोपहर में 11 बजे आप लोग रेडी रहना, मैं प्रीमियम लगा चुका हूँ, आप लोग तैयार रहना। ठीक है, दोपहर में 11 बजे मस्ती से हम लोग क्लास करेंगे मैथमेटिक्स का। ठीक है ना, सब लोग तैयार रहना। ओके।